Hello everyone, today we will solve from question number 6 of test paper 13 class 8th RS Agarwal में. इससे पहले हम first part में A के यानी question number 1 से 5 तक के इस question complete कर चुके थे जिसमें कि word problem थी. B और C आज करेंगे तो ये test paper complete हो जाएगा. B multiple choice question है और C में fill in the blanks है, है ना. तो question 6 and the question 6 is the rates of working of two taps A and B are in the ratio 2:3. ठीक है ना. तो the ratio of the time taking by A and B respectively to fill a given cistern. देखो जो working rate है उसका reciprocal कर दो, यानी 2:3 है तो फिल टाइम क्या होगा 3:2. तो आंसर हो जाएगा बी. कैसे हुआ वो भी मैं आपको समझा देता हूं. चलिए क्वेश्चन 6. लेकिन जब एग्जाम में अगर एमसीक्यू है आप डायरेक्ट जो भी रेट दे रखा हो उसका रिवर्स कर दीजिए, उतना टाइम फिल होने में लगेगा. देखो ए इज टू बी का हमें रेट दे रखा है, रेट ऑफ वर्किंग 2:3. इसका मतलब क्या है, रेट का मतलब फरार. मान लो अब हमें जब कांस्टेंट होता है, जब रिवर्स सॉरी रेशियो में कोई आइडेंटिटी दे रखी हो, कोई आर्टिकल्स दे रखा हो, कुछ भी चीज दे रखी हो, तो हम उसको वही मान लेते हैं और एक दोनों में सेम वेरिएबल लगा देते हैं. तो मैंने मान लिया ए की रेट ऑफ वर्किंग है 2x, एक्स वेरिएबल ले लिया, और वी की है 3x. रेट का मतलब पर मिनट पर आर है ना. तो मैंने पर आर में 2x टंकी भर देता है ए और बी भर देता है 3x. 2x पर आर में भर रहा है 2x टंकी. अब इसको देखो बेसिकली कि 2x फिल होती है 1 आर में, तो पूरी टंकी फिल पर यानी कि 1 टंकी मानी तो वो होगी 1/2x आर में. तो ये तो ए द्वारा टाइम लग गया पूरी टंकी को भरने में. इसी तरह बी का क्या हो जाएगा, 1/3x हो जाएगा ना. तो हमें यही टाइम का रेशो फाइंड करना था ए टू बी. तो क्या हो गया, 1/2x = 1/3x. अब रेशियो को सिंपल में कन्वर्ट कर लो. क्या करते हैं, 2x 3x का एलसीएम 6x आ गया. तो 6x का हम क्या करेंगे, ईच टर्म में मल्टीपल कर दें. तो देखो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल, तो 3:2 आ गया. तो कितना टाइम लगेगा ए और बी वाटर टैप द्वारा फुल टैंक को भरने में, सिस्टम को फिल करने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो कितना हो गया, 3:2, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स व्हाइल वी कैन फिनिश इट इन 15 आवर्स. ए किसी वर्क को 12 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है जबकि वी उसी वर्क को 15 आर्ट्स में कंप्लीट करता है. हाउ लॉन्ग विल बो टेक टू फिनिश इट वर्किंग टू कहता. अगर दोनों एक साथ करें तो कितने आर में ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे. चलिए करते हैं. तो देखो एज 1 आर निकालने वर्क, एज 1 आर वर्क, ए का एक घंटे का काम कितना होगा, पूरा वर्क वो फिनिश कर रहा है 12 आर्ट्स में, तो 1 आर्ट्स में करेगा 1/12 आर, है ना, इतना वर्क करेगा. इसी तरह फीस का निकाल लो, बी एक घंटे में 1 आवर में कितना वर्क करेगा, पूरा वर्क कर रहा है वो 15 आवर्स में, तो 1 आवर्स में क्या होगा 1/150. तो दोनों मिलकर अगर करें तो इन दोनों का 1 आवर्स वर्क कितना हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर दें, 60 एलसीएम आ गया, 12 5 जा 15 4 जा, तो ये हो गया 9/60 आवर्स, सॉरी इतने वर्क. ए और बी दोनों मिलकर 1 आर में करेंगे 9/60 वर्क. तो आप समझ गए, दोनों मिलकर कुल वर्क कितने करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों मिलकर उस वर्क को करेंगे 60/9 आवर्स में. 15 से 3 से कैंसिल करते, 3 3 9, 20/3 आवर्स, या तो ये या मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 whole 2/3 आवर्स इज द आंसर. तो ए और बी दोनों मिलकर उसी वर्क को 20/3 आवर्स में, एमसीक्यू में देखूं इसमें दे रखा है मिस फ्रैक्शन में, तो 6 2/3 आवर्स में करेंगे, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है. तो ऑप्शन बी
इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. एंड क्वेश्चन 8 इज क्वेश्चन 8 ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज. तो 1 डेज का वर्क कितना हो गया 1/40 समझ में आ गया. एंड वी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए, यानी कि बी जो कर रहा है 40% मोर वर्क कर रहा है ना. तो चलिए करेंगे बताएंगे इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश इट. तो बी उसको कुल कितने दिन में कंप्लीट करेगा. चलिए करते हैं इसे. तो देखो ए कर रहा है 14 डेज में, तो ए इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 14 का रेसिप्रोकल 1/14 वर्क करेगा. अब बी का 1 डेज वर्क क्या होगा, इसका 40% ज्यादा कर रहा है यानी कि 1/14 तो है प्लस 40% ऑफ 1/14 ये तो हुआ. तो ये कितना हो गया 1/14 एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है एक्स इंटू वाई अपॉन 100. तो 40 × 1/14 / 100 फॉर्मूले का तो कितना हो गया 1/14 जीरो से जीरो कैंसिल कर दूं तो 1/40 और 10 140 14 और 140 का कुछ और रह गया, क्या रह गया 4 और था ऊपर है ना. ये मैंने कैंसिल नहीं करा जानकर क्योंकि इनका एलसीएम सीधा आ जाएगा 140 मतलब तो कैंसिल हो रहा है 2 से भी है ना. तो कितना 14 का डिवाइड करा 140 में तो क्वेश्चन आया 10 10 टाइम्स गया तो 10 बन जा 10 140 का 140 1 टाइम्स 1 इंटू 4 4 तो ये हो गया 14/114 14 बन जा 14 10 जा 1/10 आ गया. तो V का 1 डेज का वर्क है तो V उस पूरे वर्क को कितने डेज में करेगा इसका रैपिड क्वेश्चन करते हैं. तो V विल डू द सेम वर्क इन 10 आवर्स. तो आंसर देखते हैं 10 आवर्स किस ऑप्शन में गिवन है. क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन में ही गिवन है 10 आवर्स. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. एंड क्वेश्चन 9 इज अ पंप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 2 आवर्स ड्यू टू लीक इन द टैंक इट टेक 2 and 1/3 आवर्स टू फिल इट द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक. तो यानी कि लीकेज हो रही है वो पूरे भरे हुए टैंक को कितने आवर्स में खाली कर देगा ये पूछा है ना. चलिए करते हैं इसको भी. देखो सेम हमने क्वेश्चन 8 में करा था 5 क्वेश्चन सेम बिल्कुल ऐसी है ना. जैसे क्वेश्चन 5 करा था वैसी है. मैं अगर छोड़ना चाहूँ आप लोगों के लिए तो आप लोग करोगे नहीं है ना. मैं ही कर देता हूँ. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो पंप कितने आर में फिल कर रहा है सिस्टम को 2 आर में है ना. तो 1 आर में कितना फिल करेगा ये लिखते हैं. पंप विल फिल द सिस्टम और आपका एमसीक्यू है ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है इन 1 आर. तो 2 आर में फिल करा है तो 1 आर में होगा 1/2 पार्ट जानते हो. अब ड्यू टू लीकेज टैंक पूरा भर रहा है 2 and 1/3 टू होल 1/3 का मतलब क्या गया 3 × 2 = 6 / 1 = 7/3 लीक के कारण अब जो टैंक पहले 2 घंटे में फिल हो रहा था उसमें लीकेज हो गया तो अब हो रहा है 2 से ज्यादा टाइम लगेगा लीक हो रहा है तो 7/3 आवर्स लग रहे हैं. तो ड्यू टू लीकेज है ना अब क्या होगा 1 आवर में कितना भरेगा इसका रेसिप्रोकल समझ गए. तो ड्यू टू लीक पंप विल फिल द टैंक फिल रहेगा कितना भरेगा फिल द टैंक या सिस्टम जो भी है इन 1 आर इसका रेसिप्रोकल यानी कि 3/7. तो लीक 1 आर में कितना हो रहा होगा क्या होगा इसमें से इसको माइनस कर दें तो 1 घंटे में जितना पानी लीक हो रहा होगा वो निकलाएगा है ना. तो लीकेज इन 1 आर ऐसे लिख देते हैं
लीकेज इन वन आर, वन बाई टू में से थ्री अपॉन सेवन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, टू और सेवन का एलसीएम आ गया 14, टू का डिवाइड 14 में सेवन टाइम्स सेवन बन जा सेवन, सेवन का डिवाइड 14 में टू टाइम्स टू थ्री जा सिक्स, वन आर में वन अपॉन 14 पार्ट्स लीकेज हो रहा है तो पूरा टैंक समझ में कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल 14 आर्स। यही पूछा था क्या कि फुल टैंक हो तो कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 14 आर्स, तो आंसर इज 14 आर्स, यानी कि फुल टैंक विल एम्प्टी इन 14 आर्स, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है, इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये बी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन इज ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए क्या है बी के अपेक्षा उसकी तुलना में टू टाइम्स वर्क कर रहा है ना, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट बी, बी के तुलना में दुगना काम करता है ना, इफ बोथ ऑफ देम कैन टूगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, अगर दोनों मिलकर किसी वर्क को 12 आवर्स में कंप्लीट करते हैं देन बी एलोन कैन डू इट इन, तो बी अकेला उसको कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा। चलिए करते हैं इसको भी, तो हमने मान लिया लेट बी विल डू इन एक्स आर, ठीक है बी उसको एक्स आर में करेगा, तो वी का वन डे का सॉरी वन आवर्स का वर्क कितना हो गया, वी इज वन आर वर्क, इसका रेसिप्रोकल यानी कि वन अपॉन एक्स हुआ, और बी इसका डबल कर रहा है तो वी का सॉरी ए, तो ए का वन आर का वर्क क्या होगा, ए इज वन आर वर्क, यानी कि ए का वन आर का वर्क होगा टू इंटू वन अपॉन एक्स, यानी कि टू अपॉन एक्स हो गया, डबल करा है ट्वाइस है, ओके क्लियर। तो अब होना क्या है, दोनों का वन आर का वर्क निकाल लो, ए प्लस बी वन आर वर्क, दोनों का वन आर का वर्क कितना होगा, दोनों को ऐड कर दें, वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स, वन प्लस टू थ्री अपॉन एक्स हो गया, क्लियर यहां तक क्लियर। तो ए प्लस बी दोनों को कितना वर्क कितने आर में पूरा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो ए प्लस बी विल डू द सेम वर्क, नहीं विल डू द वर्क बस, विल डू द वर्क आपका तो एमसीक्यू है, लैंग्वेज लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स अपॉन थ्री में हो जाएगा, और ये हमें गिवन है कि दोनों मिलकर कितने आर्स में करते हैं, कि इफ बोथ ऑफ देम कैन टूगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, यानी कि हमें x अपॉन 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये इक्वल है 12 आवर्स के, 3 का क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 12 इंटू 3, तो x की वैल्यू आ गई 36, ओके तो x की वैल्यू 30, x क्या है लेट b विल डू इन x आर, ये पूछा था कि b एलोन कितने दिन में r में करेगा, तो आंसर क्या आएगा 36, तो वी विल डू द सेम वर्क इन 36 आर। देखिए किस ऑप्शन में गिविन है, ये ऑप्शन सी में गिविन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, ओके चलिए करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 फिलिंग द ब्लैंक, इसका फर्स्ट पार्ट, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आर, द पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 आर, ये तो बहुत ईजी हो गया, 1 आर में क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो 6 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 6, तो इसका आंसर हो गया 1 अपॉन 6, तो फर्स्ट पार्ट के फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 1 अपॉन 6, ओके। नाउ सेकंड पार्ट मैं पढ़ रहा हूं आप सुनिए, सेकंड पार्ट में ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आर, ये दे रखा है ए प्लस बी 6 आर में कंप्लीट करते हैं, तो ए प्लस बी का 1 आर का वर्क कितना हो जाएगा, 1 आर वर्क इज 1 अपॉन 6, ये बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़ता हूं मैं, व्हाइल ए एलोन कैन डू इट इन 9 आवर्स, तो ए का 1 आर का
वर्क कितना होगा, ए एलोन अकेला उस वर्क को 9 आवर्स में करता है, तो अकेला 1 आवर्स में कितना करेगा 1/9, दोनों मिलकर 1 आवर में कर रहे हैं 1/6, ए अकेला कर रहा है 1/9 पर 1 आवर में, अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं यानी कि ए प्लस बी के 1 आवर्स में से मैंने ए के 1 आवर्स के वर्क को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो क्या बचेगा बी का 1 आवर्स का वर्क, तो वी का निकाल लो, वी 1 आवर वर्क कैसे निकलेगा, दोनों के 1 आवर के वर्क में से ए के 1 आवर के वर्क को सब्ट्रैक्ट कर दें, 6 और 9 का एलसीएम होता है 18, 6 का डिवाइड 18 में करा, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, माइनस 9 का डिवाइड 18 में 2 टाइम्स और 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 1/18, ये है वी का 1 आवर्स वर्क, तो समझ गए बी एलोन अकेला उस वर्क को पूरा करने में कितना टाइम लेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर इज 18 आवर्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप 18 आवर्स इसका आंसर आएगा, ओके ये जरूरी है कि आप सॉल्यूशन शो करें, आप कहीं भी लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जानते हो, बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पर 18 लिख देना है। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज ए कैन डू अ वर्क इन 16 आवर एंड वी एलोन कैन डू इट 24 आवर्स, तो समझिएगा ए का 1 आवर्स का वर्क होगा 1/16 और बी का 1 आवर्स का होगा 1/24, सी भी है, अच्छा ओके सी का है आगे ओके, इफ ए बी एंड सी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश इट इन 8 आवर्स, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 आवर का वर्क क्या होगा 1/8, देन सी कैन एलोन फिनिश, तो क्या करेंगे तीनों के 1 आवर के वर्क में से ए प्लस बी के 1 आवर के वर्क को सब्ट्रैक्ट कर दें, वो सी का 1 आवर्स का वर्क निकलेगा, चलिए करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखें ए प्लस बी 1 आवर वर्क, दोनों का 1 आवर का वर्क कितना होगा, अब मैं दोबारा से पढ़ता हूं, ए कैन डू इन 16 आवर, ए 16 आवर में कर सकता है तो 1 आवर का होगा 1/16, क्लियर, बी एलोन कैन डू 24, बी कर सकता है 24 में तो वी का 1 आवर का होगा 1/24, और दोनों का क्या होगा, दोनों के 1 आवर के वर्क को प्लस कर दें, 16 और 24 का एलसीएम आ गया 48, 16 3 जा 48, 3 1 जा 3, 24 2 जा 48, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 5/48 ए प्लस बी का, यहां तक क्लियर, अब तीनों का भी देखा ए बी सी, वो क्या है, इफ ए बी एंड सी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश इट इन 8 आवर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का 1 आवर का वर्क कितना होगा, 1 आवर वर्क तीनों कर रहे हैं 8 आवर्स में, तो 1 आवर्स में कितना होगा 1/8, आपको समझ में आ गया, ए बी सी का 1 आवर्स का वर्क कितना है, इसमें से ए प्लस बी का 5/48, तो 1/8 में से 5/48 माइनस कर दें, यानी कि ए प्लस बी का माइनस हो गया, तो क्या बचेगा सी का 1 आवर का वर्क, तो सी 1 आवर वर्क, सी 1 आवर वर्क, सी का 1 घंटे का वर्क कितना होगा 1/8 माइनस 5/48, 8 और 48 का एलसीएम 48, 8 का डिवाइड 48 में करो, 8 6 जा 48, 6 टाइम गया, 6 1 जा 6, 48 का डिवाइड 41 टाइम्स, 1 5 जा 5 ही रहेगा, 6 में से 5 गया 1/48, क्लियर, सी का 1 आवर्स का वर्क है, तो पूरा वर्क इसका रेसिप्रोकल, तो कितना आंसर आ गया फिल इन द ब्लैंक्स में 48 आवर्स, तो सी कैन फिनिश द होल वर्क इन 48 आवर्स। नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज इफ ए 1 डे वर्क इज 3/20 देन ए कैन फिनिश द होल वर्क, ये तो ओरली है, ए का 1 डे का वर्क देखा है 3/20 होल वर्क क्या करेगा, इसका रिवर्स रेसिप्रोकल, सॉरी 20/3 आवर्स में ये आंसर हो गया, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3 6 जा 18 रिमाइंडर 2, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा कि ए कैन फिनिश द होल वर्क इन 6 डेज में, देखा ये डेज आवर्स के बजाय डेज में है, तो आर के बजाय डेज कर लो, कि ए कैन डेज इफ ए 1 डे वर्क इज 3/20, 1 डेज है ना, तो डेज में आएगा, तो डेज, तो 6 एंड 2 बाई 3 डेज, ओके,
तो ये टेस्ट पेपर 13 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।